हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल अपना इंश्योरेंस वाला। आज मैं आपको इस वीडियो में चाइल्ड एजुकेशन की इम्पॉर्टेंस क्या है वो बताने जा रही हूँ। आज अगर आपके बच्चे हैं, आप किसी के माता पिता हैं या गार्जियन हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपने आज से ही अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए प्लानिंग नहीं करी है तो आज इसे आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि बच्चे की एजुकेशन की प्लानिंग करना एक सबसे महत्वपूर्ण, एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि गुड एजुकेशन इज़ द गारंटेड पासपोर्ट टू द ब्राइट फ्यूचर। क्यों बाल शिक्षा इतनी महत्वपूर्ण होती है? सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कि हम इस दुनिया में रहें या ना रहें, पर हमारे बच्चे का भविष्य बिल्कुल सुरक्षित रहना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे के कई सारे सपने होते हैं। जब आप एक माता पिता बनते हैं तो आपके बच्चे के सपने होते हैं, वो बड़ा होके डॉक्टर बनना चाहता है, वो बड़ा होके साइंटिस्ट बनना चाहता है, वो बड़ा होके टीचर बनना चाहता है, तो उसी के अकॉर्डिंग बच्चा अपनी पढ़ाई की तरफ आगे बढ़ता है। तो एक माता पिता की ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चे के भविष्य को सुरक्षित बनाए रखें। चलिए मानते हैं कि आपका बच्चा 10 साल बाद आपसे कहेगा कि पापा, मैं IIT में एडमिशन लेना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि IIT में एडमिशन लेने के लिए उस समय आज से 10 या 15 साल बाद आपको कम से कम 60 लाख रुपए आपके पास होने चाहिए, क्योंकि अगर आज आप कैलकुलेट करके देखें तो आज 20 से 25 लाख के अंदर खर्चा पूरा होता है IIT में एडमिशन लेने का एक बच्चे का। तो जैसे ही आपको लगता है कि आपका बच्चा जन्म लेता है, जन्म लिया आपके बच्चे ने, तो आपको उसी समय निवेश करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं आज मेरा बच्चा हुआ है, आगे वो पढ़ाई करेगा, आगे जाके वो हायर स्टडीज़ के लिए जाएगा, तो आपको पैसे की जरूरत जरूर। चलिए एक एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ। मान लेते हैं कि आपका बच्चा बहुत अच्छे नंबर से पास हुआ है और आपके पास आया है और कहता है, पापा मैं IIM में कोर्स करना चाहता हूँ, लेकिन आप कोई व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे बेटा तो पास हो गया, लेकिन अगर बेटा पास हो गया, क्या एक पिता पास हो गया? नहीं। पिता या असफल हो गया कि उसने अपने बेटे की मेहनत को बेकार कर दिया, क्योंकि उसने उसके आगे जो सपने पूरे करने के लिए जितना धन चाहिए था उसका इंतजाम नहीं कर पाया। चलिए मान लेते हैं कि आपने किसी तरीके से एजुकेशन लोन ले लिया अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए, और अभी आपकी उम्र 30 साल, मान लेते हैं 3 साल है, और आपकी बेटी की उम्र 5 साल है, यानी आज से लगभग पंद्रह साल बाद ही आपको बच्चे की एजुकेशन की, जो मेन एजुकेशन कॉलेज की एजुकेशन होती है, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहती हूँ। मैंने कुछ यहाँ पे कैलकुलेट करके रखा हुआ है, तो एजुकेशन लोन और चाइल्ड एजुकेशन पॉलिसी के बीच में डिफरेंस मैं आपको बताना चाहती हूँ। सपोज़ आप 25 लाख रुपये का लोन लेते हैं, उसमें इंटरेस्ट पड़ता है 23,35,000 रुपीज़। ये मैंने कैलकुलेशन जो है अपने मन से नहीं लिखी है, आप गूगल में जाइए, गूगल में आप लिखिए एजुकेशन लोन कैलकुलेटर, उसमें आप पूरी कैलकुलेशन देख सकते हैं। पूरी कैलकुलेशन करके आ जाती है कि कितना आपको लोन, आपने जितना लोन लेना है उसका अमाउंट उसमें फिल करिए और पूरी डिटेल आपको मिल जाती है। तो मैंने रेट ऑफ़ इंटरेस्ट 10% लिया है। वैसे रेट ऑफ़ इंटरेस्ट 10 से 16% के बीच में लगता है, ये मिनिमम 10% ही लगता है। आपने 25 लाख लिया, उसमें इंटरेस्ट 23,35,000 लगा, तो टोटल आपको कितना आपको बैंक को देना है? 48,35,000 रुपीज़ आपको बैंक को देना है। अब मान लेते हैं आपने इतना लोन ले लिया अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए, तो आपको अब मंथली लगभग 26,000 रुपीज़ पूरे 15 साल तक देना होगा, अगर आप चाहते हैं ये एजुकेशन लोन पूरा ख़त्म हो जाए। तो ये इतनी बड़ी रकम आपको हर महीने निकालनी होगी। अब चलते हैं चाइल्ड एजुकेशन पॉलिसी की तरफ। सपोज़ मानते हैं यू हैव डिसाइडेड कि हर मंथ आप अपने बेटा या बेटी की पढ़ाई के लिए लगभग 10,000 पर मंथ आप उसके लिए सेव करना चाहते हैं। आपने 13 ईयर्स के तक 15 लाख रुपीज़ सेव कर लिया, हर महीने 10,000 रुपये सेव करते हुए 13 साल तक आपके पास कितना डिपॉजिट हो गया? 15 लाख रुपीज़, 15 लाख रुपये डिपॉजिट हो गया। उसी के 13 साल के बाद 2 साल और उसमें ऐड करिए, तो 15वें साल पे, 2 साल आपने उसमें कुछ नहीं देना है आपको, 15वें साल पे
आपको कितना पैसा मिला, 25 लाख रुपए। यानी आज अगर आपका बच्चा 5 साल का है तो आगे 15 साल बाद उसमें ऐड करिए, 15 साल बाद उसकी उम्र कितनी हो जाएगी, 20 साल। अब वो कॉलेज के लिए तैयार होगा तब तो आपके पास पूरी अच्छी खासी रकम 25 लाख रुपए आपके हाथ में होगी। तो दोनों में आप डिफरेंस देखिए, इसमें तो आप 15 साल बाद ले रहे हैं और आपको कितना इंटरेस्ट भरना पड़ रहा है, 25 लाख तो आप ले ही रहे हैं और 25 लाख पे आपको 23 लाख रुपए इंटरेस्ट भरना पड़ रहा है, जिससे कि पूरी टोटल आपको कितना ज़्यादा अमाउंट देना पड़ रहा है। अब इन दोनों में जब आप डिफरेंस करेंगे तो डिफरेंस करके आपको पता चलेगा कि आपने 33 लाख रुपीज़ एक्स्ट्रा दिए हैं बिकॉज ऑफ एजुकेशन लोन। और अगर आप आज ही से प्लानिंग करते हैं, इसीलिए प्लानिंग इतनी इंपॉर्टेंट होती है, आज ही से आप प्लान करिए तो जब आपका बच्चा कॉलेज आने लगेगा आपके पास अच्छी खासी रकम होगी, जिससे आपको कोई लोन नहीं लेना पड़ेगा। एक सबसे बड़ा एडवांटेज होता है किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी में कि जब आप लोन ले रहे हैं तो आपको पैसा तो पूरा देना पड़ेगा, आप रहें या ना रहें, कोई भी कैजुअलिटी हो उससे बैंक का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, LIC में क्या होता है या इंश्योरेंस में क्या होता है, अगर आप को कुछ मिस हैपनिंग, आपके साथ कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो आपको कोई पैसा नहीं देना है। मतलब आपकी कैजुअलिटी के बाद तुरंत 15 लाख रुपए आपके बच्चे को एजुकेशन के लिए, वो पूरा सेव है, वो तुरंत मिलेगा उसको, वो पूरा पैसा सेव है। आप रहें या ना रहें, आपने चाहे 2 ही किस्तें दी हैं, 2 ही आपने प्रीमियम दिया है, उससे कोई मैटर नहीं करता, पूरा पैसा आपको मिलेगा ही। अब आप ये सोचिए कि जब आपका बेटा 20 साल का होगा या 25 साल का होगा, उस समय आपकी क्या उम्र होगी? आपकी उम्र 45 से 50 साल के बीच में ज़रूर होगी। आप अपने आप से ये सवाल करिए कि क्या उस समय आपके लिए पॉसिबल है 26 हज़ार रुपये की रकम निकालना हर महीने, उसके साथ आपको खर्चा भी निकालना है, इतनी EMI, इतनी बड़ी EMI और साथ में अपने घर का पूरा खर्चा निकालना, क्या आपके लिए पॉसिबल है? तो जब हम जानते हैं, जब आप जानते हैं कि आपके बच्चे को आप आगे जाके हायर एजुकेशन देंगे, पढ़ाएंगे, तो क्यों ना आज से उसकी सारी एजुकेशन का प्लान कर लिया जाए, ताकि आगे जाके आपको कोई परेशानी ना हो, अचानक से आपको ऊपर बर्डन ना आए। तो आज ही आप अपने बच्चे के लिए शिक्षा नीति प्राप्त करें। अगर आपको ये वीडियो में कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं या दिए हुए नंबर पर कॉल या ईमेल कर सकते हैं। Thank you for watching. Please like and subscribe my channel.